तब से इतना काफ़ी ना धूप है, बारिश है भाई, धूल है, मिट्टी बैठते हैं, तो इसका डेकोरेशन तब वो लोग वहीं से स्टाफ है वो, क्योंकि बार बार डेकोरेशन ही कराएंगे ना, जब नया प्रोजेक्ट इनके हाथ में आएगा ना तभी ये सब हो पॉसिबल हो पाएगा, इनका काम होता है, नहीं तो ऐसे तो दुनिया का उनका सामान ख़राब होते रहेगा। और उसमें देखो शूटिंग चल रही है, ठीक है, उसमें शूटिंग चल रही है, वो लोग वहाँ पे गए हैं देखने के लिए कुछ लोग, मगर मतलब हमको पहले गेट पे भी बता दिया गया है कि देखो भाई शूटिंग हो रही है, वहाँ आप ना जाएँ, डिस्टर्ब ना करें। तो जाहिर सी बात है भाई, इंसान हूँ, एक बात कोई बोल देगा तो मैं बार बार थोड़ी जाऊँगा, मगर शूटिंग चल रही है, देख लो, ये देखो अंदर लेडीज़ हैं तो उनके लोग हैं भाई, अब शूटिंग में जाके कुछ, मुझे शूटिंग देखा हूँ पर इतना मुझे शूटिंग देखने से मैं कोई बहुत बड़ा ये नहीं हो जाऊँगा, ज़रूरी नहीं समझता मैं ये सब चीज़ों को। और ये देखो क्या चीज़ है, बहुत खूबसूरत है, मैंने YouTube पे तलाशा था तो ये चीज़ें एनडी स्टूडियो में मिला था, नहीं था इसके पहले, मैं जब आया था तो ये चीज़ें नहीं थी, ये नया प्रोजेक्ट, अभी मैं पता करूँगा कि ये क्यों और क्या चीज़ का है, किसमें सीन है ये, तो मैं उसको फिर मैं आपको बता पाऊँगा। जनरली जहाँ तक बताऊँ कि ये कोई ना अपना धर्म से कुछ रिलेटेड कुछ फिल्में होंगी या तो फिर कोई शो होगा, धारावाहिक होगी, जो भी है, इसलिए बनाया गया होगा, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ जो है फ्लैग वगैरह दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देख लो ये सब दीवार नहीं है, ये सब दीवार बनाया गया है, वो जो ओरिजिनल दीवार नहीं है, सारे टूटे फूटे जो दिख रहे हैं ना, वो सब फाइबर और सब कॉन्क्रीट का प्लेट मतलब बना बना के सब लगाया गया है इसमें जो है। और वहाँ पे देखो एक झूल, एक आपको देखेगा हिरन नकली है, तो सीन होते हैं ना सीरियल एफ मूवी में कि हीरो हीरोइन वॉकिंग करते हैं, टहलते हैं, तो ये सब सारे चीज़ें डिवाइड में बनाई गई हैं, कभी कभी ये जो सीन है, कभी मेला अगर इस पे दिखाया जाता है, पूजा या हवन का सीन, भजन का, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है ऑलरेडी, यहाँ यहाँ पे लोगों को जमा कर दिया जाता है। चलो आ जाओ हिरन एक देखने के लिए, बच्ची देख डरी हिरन से, एक हिरन भी यहाँ पे नकली हिरन है, ये देखो उसका पैर बेचारे का टूटा बना हुआ है, इसमें देख ले एक बार दिखाता हूँ, तो चल रहे हैं हम लोग दूसरी दिशा में, यानी एक गेट इधर से बनाया गया है इनके लिए, ये भी नया प्रोजेक्ट है, उसके बाद बना हुआ है, जब भी मैं आया था उसके बाद बनाया गया है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या चीज का बनाया गया है। एक हिरन गिरी हुई है, हाँ बेटा चलो, यहाँ पे देखो एक डोली रखी हुई है झाड़ से थोड़ा आड़ में है, और ये देखो यहाँ पे शूटिंग चल रही है अंदर, ये देखो अंदर में है, यहाँ पे हमें बताया गया कि शूटिंग चलेगी, वहाँ मत जाना आप लोग, मतलब अंदर में नहीं जा सकते हो अंदर घूमने के लिए, बाकी हर जगह अलाउ परमिशन है। ये देखो यहाँ पे बनाया गया है कुछ फवारे, और वहाँ देखो सीन, यहाँ पे बनाया गया है बालकनी टाइप, दिखाया गया है कि देखिए बड़े बड़े नगाड़े हैं वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा आज आवाज़ मेरा स्लो रहेगा क्योंकि लोग हैं यहाँ पे, तो लोग थोड़ी से हंसी का पात्र में बन सकता हूँ, क्योंकि भाई ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, टूटे फूटे आपके बातें मैं सिर्फ बता सकूँगा, यानी एक किसी का महल हुआ करता है ये सीरियल में, और ये गेट है, दरवान वहाँ रोक के उनको रखेगा, चेक करेगा, अंदर छोड़ेगा, ऐसे कुछ है, मैं किसे पूछने जाऊँ, नहीं तो मैं आपको बता देता कि किस चीज़ की शूटिंग है, शूटिंग है मुझे भी नहीं पता, पूछना पड़ेगा मुझे उसके लिए। और मेरी बच्ची यहाँ पे इसको घुमा रहा हूँ क्योंकि थक गई है अभी, चलो कुछ और एक नया चीज़ दिखाता हूँ, जो लंगर चलता था ना जिसे भंडारा, तो इसी में यही सब दिखाया जाता है, इसमें हालांकि कुछ है नहीं, ठीक है, ये देखो ये गेट है, शूटिंग अंदर चल रही है, डीजी वगैरह पीछे है, जगनेटर वगैरह यहाँ पे, तो ये है एक मराठी सीरियल, मतलब अंदर इतना मैं घूम के बनाया तो मुझे समझ में नहीं आया, जब ये गेट से, मतलब पिछले गेट से मैं गया था, जब इस गेट से मैं बाहर निकला ना, तो ये मंडे और फ्राइडे को ये सीरियल आता है, कौन सा सीरियल है, देखो इसका दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा कह सकते हो, ये नोक नोक है, देखो सब नकली है, अब ये आता है जी टी वी पे, आज लिखेंगे कल, ठीक है, उनका लोगो है जी टी वी का, कहने का मतलब कि आज लिखेंगे कल, और काशी बाई बाजीराव बल्लाल यही है,
इसको प्रेजेंट वगैरह करता है डॉलर वुमेन, मिजी पावर्ड बाई है ये, इसका मंडे फ्राइडे के दिन आता है। तो अब मैं, मुझे पता चल गया है, तो मैं इस चीज़ को जो है अब बाद में तलाश लूँगा, क्योंकि देखो उनके सीन पीछे दिख रहा है, जो मैंने जोधा अकबर का सेट का वगैरह सीन लिया हुआ है पीछे का, वही फिर से ये सारा जो है चीज़ यहीं से पूरा यहीं पे अभी भी वही शूटिंग चल भी रहा है इसके पीछे, जो कि मुझे पता भी नहीं था क्योंकि मैं आया नहीं हूँ उसके, बहुत दिन हो गया, तो ये सेट अभी नया नया में बनाया गया है, तो अभी जाके पता लग गया कि यही है, इनका शूटिंग चल रही है, अब यही लोग एक्टर सब कुछ अंदर मिलेंगे। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो ये जो है घोड़े हैं, पाले हुए हैं, सिखाए जाते हैं इनको, पूरा ट्रेंड वगैरह रहते हैं सब, जैसे फिल्मों में किसी को घोड़े उड़े की आवश्यकता होती ना, तो यहीं से सब लोग जो है ये देने का काम करते हैं, पैसे लेते हैं लोग पाल के रखे हैं अपना। और वहाँ शूटिंग चलिए, देखो वैनिटी वैन बसें हैं सब सारी हैं, वहाँ पे हमको भी वैसे भी मना किया गया, तो उधर हम जाके फ़ायदा कुछ है नहीं, सब लोग हमें ही देखने लगेंगे क्योंकि उनका पूरा टीम है और मैं कहाँ बाहर का, तो वो लोग सोचेंगे ना कौन आ गया क्या है। और देखो फिल्मों में छोटे छोटे जो लोग बने रहता है ना, ये सब चीज़ें घुमाने के लिए, उसमें एक छोटा सा मिनी ट्रेन होता है, तो मिनी ट्रेन ही है, किसी फिल्मों के लिए है या किसी और के लिए नहीं है। देखो यहाँ पे इंजन जोड़ने का काम करता है यहाँ पे, ठीक है ये, और शूटिंग वहाँ पे चल रही है। और ये इंजन है, जैसे बहुत से फिल्मों में डांस के समय रोल किया जाता है, बच्चों के सीरियल में कुछ काम किया। अब ये बच्ची इतनी थक गई है कि रो रही है। ये एक कॉलोनी टाइप है, मतलब बिल्डिंग है दो माले की, नीचे भी एक माला है, उसके जो छोटे छोटे एक्टर वगैरह होते हैं सोने के लिए उनके लिए, तो ये सब जो है डायरेक्टर वगैरह यहाँ सोते देते हैं। और पर्सनली बताऊँ, यहाँ पे सलमान खान का फेमस नाम है, यहाँ पे मालिक भले कोई और है, सभी लोगों को लगता है कि मालिक नहीं है वही है, क्योंकि वो उतना प्यार देते हैं यहाँ के लोगों को, और कारण है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा विजिट करते हैं उन्हीं की वजह से। तो यह सलमान खान का एसी उसी नया लगा हुआ है, और आगे से अच्छा दिखेगा, हम लोग पीछे के सीन में आ गए ना, तो बड़ा पूरा एसी लगा है। हाँ तो पूरा पूरा एरिया ही कूलिंग, तो ये पत्रा भी हम लोग, हमारे लोगों ने ही लगाया है, काम किया है। ये बंगला है आगे से, तो ये रहा उनका रहने होने का, ठीक है। और वो है एक्टर, जैसे सलमान खान के साथ में जो भी सीन वगैरह जो लीड रोल में होते ना, ये उनके साथ पूरा रहते हैं। तो ये पीछे का सीन था, आगे की तरफ से अभी मैं आने के समय में कैप्चर नहीं कर पाया, अब मैं उतरता हूँ धीरे धीरे, चलता हूँ आपको शीश महल दिखाने। क्या हुआ, आराम से आना, अरे आराम से आराम से आराम, संभालो उसको यार। तो ये रहा सीन, सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए यही है। देखो ये जो है, देखो दिखाता हूँ दूसरी टॉपिक पे आते, ये देखो शूटिंग के समय जो फ्लैशेस वगैरह उनके मुंह पे चाहिए ना क्लियरिटी के लिए, तो ये सब बैनर जो है ना, इसे चांदी की पट्टी होती है, सिल्वर की परत होती है, जो उनके चेहरे पे लाइटिंग का काम करता है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा शीश महल, जो बहुत फेमस फिल्म इनकी प्रेमचंद धन पाई होगी थी, और इसमें जाओगे पूरे जूने जूने चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी, यहाँ पे पूरी लाइट जलेगी ना, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखो ये जो सीन दिख रहा है ना, इसमें जब घुसोगे ना, तो आपको जो एक सलमान एक ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी दिल ना दिया, बोलो नो बोलो ना बोलो क्या किया, तो इसके अंदर घुसोगे ना, इसके अंदर तो ये चीज़ें आपको अंदर जो डांस वगैरह शो है, स्टेट शो का, सर्कस का, ऐसे ऐसे सीन जो है, धूम थ्री इनकी निकली थी आमिर खान की, तो अंदर की शूटिंग इसी में हुई थी, ऑडियंस को बुलाया जाता उसमें लोगों को, ठीक है, बाहर से लोगों को भी जनसंख्या, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ाया जाता है ताकि लोग देखें फिल्म रियल दिखे उनको, ऐसा मतलब करने के लिए इतनी बड़ी अंदर पूरा ये है ना कि आप देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। तो अब हम आ गए सलमान खान की जो फिल्म एकदम ब्लॉकबस्टर प्रेम रतन धन पाए हुए थी, ये यही है। देखो
यहाँ पे जब मैं आया था ना तो अभी शूटिंग चल रही थी, अभी भी शूटिंग हुई होगी और होती भी है। बहुत सीरियल आप देखेंगे ना, 50% सीरियल यहाँ का ही फिल्म, आपको फिल्म और शूटिंग और सीरियल की शूटिंग सब सारी मिलेंगी। और ये चीज़ें हैं, रात को जब लाइट जलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अब हम लोग घुस रहे हैं ताजमहल पे।